जवळपास 5-1 अर्धशतक या खेळाडूच्या नावावरती असतील. 7 षटकार सुद्धा एका लाईनी मध्ये त्यांनी ठोकलेले आहेत. अर्थात रसल दी मसल पॉवर म्हणून याला ओळखला जातो. मित्रांनो, माणगाव गावातील हा खेळाडू आहे, नक्कीच त्याचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो मुस्कान एलन मांडला यांच्या वतीने. त्याचा सुद्धा आपल्याला नक्कीच अतिथी सत्कार करावा लागेल. बाबा भाई मौलाना शुभम जाधव सुद्धा या ठिकाणी आलेला एक दर्जेदार नामवंत असा खेळाडू आहे. अखाती देश असो किंवा आपल्या भारतीय देशामध्ये सुद्धा प्रत्येक ठिकाणी त्याने नक्कीच चांगली कामगिरी आपल्या माध्यमातून पाहायला मिळालेली आहे त्याच्याकडून सुद्धा. तर त्याला सुद्धा नक्कीच या ठिकाणी आपण गौरव करणार आहोत. तसंच वालवडी संघाचा सतीश पाटील सुद्धा एक नामवंत असा गोलंदाज, एक अष्टपैलू कामगिरी करणारा खेळाडू आहे. मित्रांनो, या येणाऱ्या खेळाडूंचा खऱ्या अर्थाने आपल्याला कौतुक करावाच लागेल. ओव्हर टू परेश. धन्यवाद मस्तक सर. तर सामना चालू होतोय वळिया मैदानाकडे. फलंदाजीसाठी आले फलंदाज शुभम जाधव आणि आकेश कदम. नक्कीच करता धरता या संघाचे अष्टपैलू असं महत्व त्यांच्या संघामध्ये आहे. आकेश कदम उत्तम गोलंदाजी, पहिला चेंडू टाकतोय क्रीजवरती, सुरेख अचूक टप्प्याचा भेदक मारा करतोय. समजू शकत नाही आहे, शुभम बीट होतोय आणि नक्कीच पहिला चेंडू निर्धाव टाकतोय आपल्या षटकामधील. सतीश पाटील येतोय, पहिलं षटक पहिला चेंडू निर्धाव टाकतोय, सुरेख चेंडू टाकतोय. समजू शकत नाही आहे शुभम, या चेंडूला बीट होतोय, चेंडू शरीराला बदलून निर्धाव पद्धतीने. आता मात्र चेंडू हवेत, चेंडू जातो शॉट मिळांच्या उपवरून 6 धावेसाठी बीएसएनएल षटकार. 6 धावेने आता मात्र इरादे स्पष्ट करतोय, फायर होतोय आणि 6 धावेने वैयक्तिक स्वतःच आणि संघाचं खातं खोलून देतोय. खराब चेंडू आणि काच पुरेपूर त्या चेंडूचा फायदा घेतोय आणि चेंडूला भिरकावून देतो सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावेंसाठी. पुन्हा एकदा सतीश टू शुभम, पुढील चेंडू घेऊन आणि पुन्हा एकदा चेंडू हवेत, चेंडू जातोय सीमारेषा पार, षटकार. नक्कीच बॅक टू बॅक दुसरा छक्का येतोय, चांगली फटकेबाजी होतोय, मोठं लक्ष समोर ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतोय. नक्कीच शुभम ऑन द फायर, मॅन फ्रॉम माणगाव, एक आयकॉन प्लेयर दिसतोय, एक फॉर्म मध्ये दिसतोय. नक्कीच आपण आयकॉन म्हणून काय आलोय, या संघामध्ये का प्रवेश केलाय नक्कीच ते दाखवून देतोय. बॅक टू बॅक दुसरा छक्का. सतीश काहीस खराब गोलंदाजी, बघायचं आहे कसं कमबॅक करता येईल या षटकामध्ये, परंतु शुभमला रोखण्यात यशस्वी होतो की नाही येणारी वेळ ठरवेल. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे बॅक टू बॅक तिसरा षटकार येतोय आणि दाखवून देतोय कशा प्रकारे फलंदाजी. ऐकून फलंदाज शुभम जाधव ऑन द फायर. असं वाटलं होतं पहिला चेंडू निर्धाव टाकला होता सतीश याने, सतीश पाटील याने पहिला चेंडू निर्धाव टाकला होता, परंतु पुढच्या तिन्ही चेंडूवरती 3 षटकार बॅक टू बॅक हॅट्रिक षटकारची येते शुभम जाधव याच्याकडून. नक्कीच एक बहारदार खेळी करणार या संघामध्ये, नक्कीच एक मोठं लक्ष, एक मोठं आव्हान उभं करण्याचा प्रयत्न दिसतोय तो काशीत संघाचा. पुढील चेंडू घेऊन सतीश पाटील अचूक मारा, परंतु शुभम मात्र थांबत नाहीये, प्रत्येक चेंडूवर हल्ला बोल करतोय, प्रति हल्ला करतोय, प्रहार करतोय आणि तिच्या बॅट मधून निघणारा हा 4th षटकार. नक्कीच अजूनही या षटकातील एक चेंडू शिल्लक आहे, त्या शेवटच्या चेंडूचा काय होईल येणारी वेळ ठरवेल, कारण बॅक टू बॅक 4 षटकार ठोकलेत. चांगली फटकेबाजी करतोय शुभम जाधव आपल्या फलंदाजी मध्ये, आपण का आयकॉन म्हणून आहोत या संघामध्ये हे दाखवून देतोय. पुढील चेंडू नक्कीच शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता आणि मला वाटते काहीस बिघाड झाले रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये.
आणि एकच धाव मिळेल शुभमला. संघाला पहिलं षटक संपतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती काशीद संघाची बिनबाद. लॉस ऑफ नो विकेट फ्रॉम काशीद संघ. सुरेख फलंदाजी शुभम जाधवची. नक्कीच पुन्हा एकदा स्ट्राइकला असेल. याच्या पुढचं धावत समालोचन करतील आमचे हिंदी समालोचक मुस्ताक्ष. धन्यवाद परेश. तो जिस खिलाड़ी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था दोस्तों, और मुझे ऐसा लगा था कि सतीश एक अच्छा विकल्प चुना था उसके सामने गेंदबाजी के लिए, इब्राहिम गेंदबाज और सामने बल्लेबाज रसल द मसल पावर अर्थात मानगांव का रसल शुभम जाधव. और इस बार भी देखिए नतीजा सेम, लगभग पांच गेंदों में छह गेंदों में पांचवा छक्का लगाए दोस्तों शुभम जाधव के बल्ले से. कमाल की बल्लेबाजी, हर गेंद पर बड़ा प्रहार हो रहा है. स्वैग से स्वागत किया है, सिक्स से स्वागत किया दोस्तों इब्राहिम का भी. सतीश पाटिल ने पहले ओवर में 25 रन खर्च किए थे और इब्राहिम ने भी पहली ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का दे दिया शुभम जाधव ने. और शुभम जाधव के अगर वैयक्तिक रन निजी स्कोर की बात की जाए तो पांच छक्कों के साथ शुभम जाधव ने बनाए है 31 रन, क्योंकि एक सिंगल भी लिया था आखिरी गेंद पर सतीश पाटिल के, और वापसी जरूर यहां पर हुई है इब्राहिम की. अगर इसी प्रकार के गेंद में वेरिएशन हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप थोड़ा सा बल्लेबाज को परेशान कर सकते हो, वरना शुभम जाधव को रोकना तेज तर्रार गेंद थी. बहुत ही तेजी के साथ गेंद निकली दोस्तों. कमाल की स्पीड से यह गेंद की थी, कमाल की रफ्तार से यह गेंद की थी दोस्तों इब्राहिम ने. हल्की सी अपील, दोनों अंपायर के बीच कुछ सलाह मशवरा. मुख्य अंपायर राजा और स्क्वायर पंच अर्थात सफीर दाखवे, इन दोनों के दरमियान एक गुफ्तगु हुई और बल्लेबाज शुभम जाधव को यहां पर कॉट बिहाइंड वापस लौटना पड़ रहा है दोस्तों. करीबी मामला था, अच्छे दोनों के दरमियान गुफ्तगु हुई, सलाह मशवरा हुआ, शायद स्लाइडली एज लगी थी. शुभम जाधव को भी शायद पता नहीं था, वरना शुभम जाधव भी वो खिलाड़ी है दोस्तों, एक बिल्कुल प्रामाणिक खिलाड़ी है. क्योंकि मैंने इस खिलाड़ी को देखा हूं बिल्कुल डाउन टू द अर्थ. इतने अच्छा रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम पर है लेकिन अभी भी उसके पैर जो जमीन पर है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों. चलिए न्यू कमर्स फरीद है, मुझे ऐसा लगता है फरीद पिट्टू. और फरीद ने पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश की और अच्छा कैच लपक लिया दोस्तों सलमान ने. बहुत ही अच्छी वापसी होती हुई अब देखिए हानिया 11 वालवटी की. इस तरह से वापसी होनी चाहिए, बड़ा टूर्नामेंट है. बिल्कुल इब्राहिम ने पहली गेंद पर एक छक्का दे दिया था लेकिन बहुत ही बढ़िया तौर से कमबैक भी किया दोस्तों. दो बड़े झटके दिए बैक टू बैक और अब हैट्रिक का मौका होगा इब्राहिम के लिए. चार गेंदें हो चुकी है, चार गेंदों में केवल इब्राहिम ने तीन ही रन सॉरी सात छह ही रन खर्च किए, 31 रन. ईश्वर चाचे बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आकेश कदम का साथ निभाने के लिए दोस्तों. हालांकि आकेश हमने देखा था शुभम जाधव के साथ ओपनिंग में गए थे, प्रारंभिक रूप में गए थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गेंदें शुभम जाधव ने खेली थी और अच्छा स्कोर भी बनाया था दोस्तों 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर इस सिंगल के साथ. इब्राहिम अपने ओवर को बढ़ाते हुए पांचवी गेंद धीमी गति की, घुमाव था गेंद में, जमीन पर पड़ने के बाद गेंद आई अंदर की तरफ और इस बीच अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला, इशारा दिया यस इट इज, यानी कि एक्स्ट्रा रन. 33 रन, 2 ही विकेट के नुकसान पर. हैट्रिक वाली गेंद
लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज अपनी दिशा से भटक रहा है। हाँ, तेज तर्रार गेंद थी, फिर से एक मरतबा ऑन साइड में खेला जरूर, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद गई, डिक्लेयर जोन में, केवल यहां पर मिलेगा बल्लेबाज आकेश को एक रन, और इस एक रन के साथ 34 रन, दो ही विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की आना शेष, अच्छी वापसी किया दोस्तों इब्राहिम ने, कमाल की गेंदबाजी की, देखिए बिल्कुल सटीक लाइन, सही दिशा और गति पे अच्छा नियंत्रण, और दे डाले थे दो झटके दोस्तों। फरीद पिट्टू भी एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज थे। कोकबान चषक, हाँ वॉलंटियर से मेरी गुजारिश रहेगी बाबा, सभी बच्चों को आपके जो निगरानी में जितने बच्चे हैं, आप सुपरवाइजर हो इन बच्चों के और सबके चहेते भी हो बाबा, और हर जगह आप नजर भी आते हो, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सभी बच्चों को बाउंड्री लाइन के बाहर तैनात करें, क्योंकि अच्छा मुकाबला है। और बाहर एक किनारा लगा था और दे डाला दोस्तों इब्राहिम ने ये तीसरा झटका, जहनमान काशिद की टीम को केवल 33 रन के स्कोर पर, क्या वापसी की है दोस्तों, कमाल की गेंदबाजी रही यहां पर गेंदबाज इब्राहिम की। आकेश कदम को भी बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ा, और इस तरह से तीन विकेट खोई है पहले बल्लेबाजी करते हुए जहनमान काशिद की टीम ने। बल्लेबाज आउट हुए थे शुभम जाधव, जिन्होंने शानदार 5 छक्के जड़े थे और कुल मिलाकर 31 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। लेकिन उसके बाद देखिए मोमेंटम किस तरह से शिफ्ट होता हुआ नजर आया, और एक ही ओवर में 3 विकेट गिरी प्रसाद काते। तीन ओवर का मैच रहेगा, और मैं गेंदबाजी करने वाली टीम से भी गुजारिश करूंगा कि लगातार मीटिंग नॉट अलाउड है, और उसी तरह से बल्लेबाजी करने वाली टीम भी जो है उनसे भी गुजारिश रहेगी कि अपने बल्लेबाज, नेक्स्ट बल्लेबाज जो है उसको तैयार रखें। तो चलिए, दो ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 33, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर से मैं एक मरतबा लिए चलता हूं हमारे साथी कॉमेंटेटर माय बोली भाषा अर्थात मराठी में परेश पाटिल के पास। धन्यवाद मस्ताक सर। तर दोन षटक संपले, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या मात्र झाली आहे ती 34 अशी धावसंख्या लागलेली आहे फलकावरती। एक वाईट प्लस 1 गेला होता, थोडी चुकतो तो माणूस आणि चूक सुधारतो तो सुद्धा माणूसच असतो। गोलंदाज होते तारबंदरच्या खेळाडूंनी, तिथे पाठीमागे थांबू नये, थांबायचं नाहीये, ग्राउंडच्या बाहेर यायचं आहे, पाठीमागे थांबू नका। एक सिंगल आलेला आणि एक व्हाईट आलेला, बॅट कट लागलेली, व्हाईट नव्हता, बॅट कटच्या रूपात एक सिंगल आला होता आणि एक व्हाईट, तर टोटल 34 धावा लागल्यात। बॉल आणि चेंडू बिरकावून येतो स्क्वेअर लेगच्या दिशेला, चेंडू जाते, 1 बॉल 4 धावा, ईश्वर ऑन द फायर, ईश्वरच्या बॅट मधून आता मात्र 4 धावा। तर पहिल्या चेंडूवर हल्ला बोल करतोय, प्रतिकार करतोय पहिल्या चेंडूवरती मुझक्कीर, मात्र पहिला चेंडू खराब टाकतोय आणि खराब चेंडूचा प्रत्युत्तर, 4 धावेला चेंडू जातोय आणि धावसंख्या झाली ती 38। पहिला षटक खूप महागडा म्हणता येईल, कारण शुभम जाधव ऑन द फायर झाला होता, 4 बॅक टू बॅक षटकार ठोकले होते आणि 25 धावांचं मोठं योगदान दिलं आपल्या संघासाठी शुभम जाधव याने। तर आता बघायचा ईश्वर पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा, चौकार ठोकतोय, चांगली फटकेबाजी होतोय, पुन्हा एकदा पुढील चेंडू, हा चेंडू बीट होतोय, समजू शकत नाहीये, सुरेख चेंडू, बाकीचं पूर्ण काम करतो यष्टी रक्षक आणि हा चेंडू ठरतो निर्धाव। शेवटच्या षटका दिलं, शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत, कशा प्रकारे फलंदाजी होईल।
तर तीन षटक संपतात, तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर त्यांचं काय जो काही निर्णय असेल पंच देतील, कोणताही वाद होणार नाहीये। तीन षटक संपले आहेत, तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जमवली चानुमान काशीद संघाने। अर्ध षटक फलकावरती लागतोय, मला वाटतं एक रन शॉट आहे। तर 49 धावा बनवल्या आहेत काशीद संघाने आणि 50 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते वालवटी संघासमोर। तर 49 धावा झाल्या आहेत, 50 धावांचं आव्हान आहे नक्कीच। 18 चेंडू 50 धावा। तर जरा सामना फास्ट करायचा आहे कारण आपल्याकडे शेवटचा दिवस आहे, आज फायनल खेळायचे आहे। प्रत्येक प्लेयरने आपलं थोडं सहकार्य करायचं आहे। पंचांचं काम बघतायत, मेन पंच आहेत राजा बकवाल आणि सफेर दाखवे, जे स्क्वेअर लेग पंचांचं काम बघतायत। नक्कीच सामना रंगतदार होतोय। 18 चेंडू मध्ये एक भारदार फलंदाजी करत असताना आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती शुभम जाधव आणि ईश्वर याने सुरेख फलंदाजी करत असताना 49 धावांचं लक्ष बनवलं आणि 50 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते बालवटी संघासमोर। 18 चेंडू आणि 50 धावा कशा प्रकारे सुरुवात होईल येणारी वेळ ठरवेल। तोपर्यंत मैदानाकडे वळूया, क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे काशीद संघ तसेच वालवटी संघ। आपले सलामीचे फलंदाज पाठवायचे आहेत आणि एक एक्स्ट्रा फलंदाज सुद्धा पाठवायचा आहे जो पाठीमागे उभा राहील पंचांच्या तिथे, कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे। याच्यानंतरचा सामना सुद्धा डिक्लेअर करायचा आहे। कारण सेकंड इनिंग चालू होतोय, दुपारचं सत्र आहे, नक्कीच क्लायमेट सुद्धा एक पुरेशी चांगला असं क्लायमेट आहे फलंदाजीला फिल्डिंग साठी। जेएमसीसी सोनकार विरुद्ध जे हनुमान सर्वे, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना कमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचंय। थोडं फास्ट करायचंय, तीन फलंदाज जायचं आहे, एकाने पाठी थांबायचं आहे कारण वेळ खूप कमी आहे। प्लीज थोडं सहकार्य करायचं आहे। जेएमसीसी सोनकार आणि जे हनुमान सर्वा दोन्ही संघाच्या कर्णधार करता धरता कप्तान कमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय, नाणेफेक करून घ्यायची आहे आणि आपला निर्णय तो जो काही आहे तो लगेच द्यायचा आहे। आपल्याकडे वेळ कमी आहे, तर सामना चालू होतोय मैदानावरती काशीद विरुद्ध बालवटी आलेल्या प्रेक्षकांसाठी। प्रथम फलंदाजी करत असताना कोणाचे पैसे पडले असतील तर त्याने आपली कॅश किती आहे ती सांगून पैसे न्यायचे आहेत। इमदाद पठाण यांना संपर्क साधायचा आहे। मैदानावरती कोणाची कॅश पडली असेल जो कोणी प्रामाणिकपणे ज्याचे कोणी पडले असतील त्याने प्रामाणिकपणे येऊन इथे आपले किती पैसे आहेत होते ते सांगून कॅश आपले कलेक्ट करायचे आहे, घेऊन जायचं आहे। अली आणि मुझक्किर दोन फलंदाज वालवटी संघाकडून सलामीला येत आहेत। अली स्ट्राईकला खेळतोय आणि मुझक्किर नॉन स्ट्राईकला खेळतोय, प्रथम गोलंदाजीसाठी येतोय। एक अष्ट पैलू असं त्याचं महत्व संघामध्ये। शुभम जाधव नक्कीच सुरेख फलंदाजी केली होती, शुभम जाधवने बॅक टू बॅक षटकार ठोकले होते आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती सामन्याचं चित्र बदललं होतं। परंतु आता गोलंदाजी कशा प्रकारे होते
इतकी चांगली फलंदाजी होईल वालवटी संघाकडून येणारी वेळ ठरवेल। पहिला चेंडू शुभम जाधव याचा, पहिला चेंडू खोलवर पद्धतीचा चेंडू होता, स्ट्रेट राईट खेळतोय, जोपर्यंत चेंडूची फेक केलं एकाच धावे समाधान मानतोय। सुरेख क्षेत्ररक्षण होतोय, अलीला एक धाव मिळतोय, संघाची धाव संख्या होते ती एक, एका धावाने स्वतःच आणि संघाचं खातं खोलतोय तो अली। पुढील चेंडू घेऊन शुभम आता माझा स्ट्राईकला असेल पहिल्यांदा सामना करेल फलंदाज मुझक्कीर। बघायचं आहे कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय। पुन्हा एकदा शुभम पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय, सुरेख चेंडू बॅट चिकारायचा, दोन चेंडू जातोय डिक्लेअर झोनच्या दिशेला, एक धाव नक्कीच मिळेल संघाला आणि स्वतःला, धावसंख्या झाली ती बिनबाद दोन। रियाज चाचा इनके हस्ते सर्वा आणि सोनकार यांच्यामध्ये नाणेफेकेचं गोल होते। बघायचं आहे कोणाच्या बाजूला झुकतोय नाणेफेकेचा कौल, सर्वा विरुद्ध सोनकार, जी एम सी सी सोनकार विरुद्ध जे हनुमान सर्वा। पुढील चेंडू बॅट चिकारण्यासाठी चेंडू जातोय कीपरच्या डोक्यावरून, डिक्लेअर झोन मध्ये एक धाव, सी पॉइंट सर्वा। सी पॉइंट सर्वा टॉस विन होतोय, आणि पुढील चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेला, सुरेख क्षेत्ररक्षण होतोय, चूक करत नाहीये ईश्वर, आणि मात्र पहिला झटका लागतोय, पहिला धक्का लागतोय अली, मात्र कम टू द पवेलियन। सी पॉइंट सर्वा नाणेफेकीचा कौल लागतोय त्यांच्या बाजूने, सी पॉइंट पहिला धक्का लागतोय। मुझफ्फर पहिला धक्का लागतोय, त्याची जागा सांभाळण्यासाठी जातोय एक एक्स्ट्रा बॅट्समन। मी पहिलंच म्हटलं होतं की जास्त वेळ जाते, इथून बॅट्समन जाईपर्यंत तेवढा वेळ जातोय, एक एक्स्ट्रा बॅट्समन कीपरच्या पाठी पाठवायचा आहे, सतीश पाटील येतोय मुझफ्फरची जागा सांभाळण्यासाठी। आली ऑन द स्ट्राईक, तीन चेंडू फेकले, तीन चेंडू मध्ये फक्त तीन धावा खर्च करतोय शुभम, सॉरी चार चेंडू फेकलेत आणि फक्त तीन धावा खर्च करतोय। पुन्हा एकदा सतीश पाटील ऑन द साइड, स्लोवर पद्धतीचा चेंडू होता फसवा चेंडू, आणि सतीश पाटील बीट होतोय, चेंडू ठरतोय निर्धाव, या षटकातील शेवटचा चेंडू। सामना करेल सतीश पाटील, बघायचं आहे कारण एक मोठं लक्ष समोर ठेवले 50 धावांचं, नक्कीच ते त्याचा पाठला करत असताना सुरेख खेळतोय, मिड ऑनच्या वरून चेंडू जातोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय आणि एकाच धावेत समाधान मानतोय। पहिलं षटक संपतोय, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर वालवटी संघ धावा जमवतोय, एक बाद चार। याच्या पुढील समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी घेऊन जातोय मुस्ताक सरांकडे। धन्यवाद परेश। फरीद फरीद पिट्ठू, तो पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या केवल चार, एक विकेट के नुकसान पर, यानी कि बची हुई 12 गेंदे और जीत के लिए 46 रनों की जरूरत, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया दोस्तों। सतीश पाटिल एक बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है और अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना परेश बिल्कुल अपने दरवाजे पर आई हुई खुशियां को लौटाने के बराबर होता है। यह आपको पता चलेगा कि ये बल्लेबाज का कैच छूटने के बाद उसका उपद्रव, उसका परिणाम किस तरह से आता हो सकता है, क्योंकि सतीश पाटिल ने, हमने देखा था दोस्तों सर्वा के मैदान पर भी एक शानदार छक्का लगाया था आखिरी गेंद पर,
योगेश पेनकर के विरुद्ध अपने टीम को जीत दिलाई थी। मुरूट के टूर्नामेंट में भी इसी बल्लेबाज ने मझगांव की जानिब से खेलते हुए दो शानदार छक्के लगाए थे और अपनी टीम के लिए एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया था। 60 के पार अपनी टीम को ले जाने में कामयाब रहे थे। जिस प्रकार से हमने देखा था, शुभम ने बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी की थी, दमदार बल्लेबाजी की थी और एक बड़ा लक्ष्य रखा था पहली ओवर में सतीश पाटिल के विरुद्ध, 25 रन बनाए थे। इब्राहिम की भी पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा था, 31 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रन रहे थे। और बिल्कुल शुभम दमदार जाधव की तरह उन्होंने बल्लेबाजी की थी और बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे शुभम। हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी पुलर डिलीवरी थी, बल्ला घूमना चाहिए था, गेंद मिडल करनी चाहिए थी अली को, लेकिन फिर से एक मरतबा केवल एक ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ रहा है और इस सिंगल के साथ रनों की संख्या पहुंचती हुई सीधे 8 रनों पर। चार, फिर से एक मरतबा गेंद में देखिए किस तरह से घुमाव रख रहे, बहुत ही अच्छी विविधता गेंदबाजी में देखने को मिल रही है फरीद पिट्टू के, और कहीं ना कहीं सतीश पाटिल जो कि लगातार बड़े हिट लगाना चाहते हैं लेकिन उनके मंसूबे यहां पर गेंदबाज फरीद उद्वस्त करता हुआ साफ तौर से नजर आता हुआ सिंगल के साथ इस रन की संख्या पहुंची है 9, दो रन से रनों की संख्या 2 अंकों में 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फरीद। धीमी गति की गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर और अकॉर्डिंग टू रूल नियम क्रमांक 22 का यहां पर इस्तेमाल करते हुए मुख्य अंपायर सफीर दाकवे और सिंगल के साथ अतिरिक्त रनों के साथ रनों की संख्या 11 रनों पर पहुंचा दिया फरीद। तेज गेंद, ओवर पिच गेंद, हवा में खेला और इस मरतबा कोई गलती नहीं खिलाड़ी ने, क्योंकि कैच उसी के पास गया था, पहला कैच छूटा था, थोड़ा सा अफसोस हुआ था उस खिलाड़ी को, लेकिन उसकी जगह बदल दी थी आकेश ने, लेकिन इस मरतबा कोई गलती नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरी टीम का, मेरे कप्तान का, मेरे संघ मालक का जीत का सपना अधूरा रहे। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, श्रीराम स्पोर्ट्स संघ मालक तुषार वाजेंत्री सोनखार और उसके विरुद्ध खेलने वाली टीम सी पॉइंट सर्वा, संघ मालक देखना है कौन है टीम का, क्योंकि दोस्तों यहां पर संघ मालक के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, चमचमाती साइकिल दी जाएगी। दोस्तों कौन सी टीम विजेता रहेगी? आकेश कदम। मैच तो बिल्कुल एक तरफा होता हुआ अब नजर आ रहा है क्योंकि आखिरी ओवर और जीत के लिए लगभग 39 रनों की जरूरत है। ये शानदार बल्लेबाजी की बदौलत हम देख रहे हैं दोस्तों, काशिद की टीम बिल्कुल इस वक्त जीत के करीब। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है यह कहा जाता है दोस्तों, अक्सर हम कहते भी है इस कहावत को, लेकिन इस मरतबा मुझे नहीं लगता कि शायद यह मुकाबला हानिया 11 वालवटी की टीम जीत पाएगी क्योंकि केवल 4 गेंदे आना शेष और 4 गेंदों में लगभग 38 रन रिक्वायर्ड है। बिल्कुल हार की दहलीज पर इस वक्त खड़ी हानिया 11 वालवटी की टीम साफ तौर से नजर आ रही है, स्माइल 7 नंबर की जर्सी परिधान करते हुए बीच मैदान पर। और बिल्कुल यहां पर हमारे अजीज दोस्त इकबाल भाई घारे भी यहां पर आ चुके, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट के दीवानों का। फिर से एक मरतबा हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों मुस्कान 11 मांडला 2022 शेतकरी कामगार पक्ष चषक में। और 30 रनों की मजीद जरूरत है। फिर से एक मरतबा हिट तो किया है लेकिन गेंद सी महाराष्ट्र के अंदर और एक कैच छूटता हुआ, दो आसान कैच छूटे इस खिलाड़ी के हाथों से। हालांकि एक अच्छा कैच लपक भी लिया था, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे, अति घाई संकटात नहीं। और हमने देखा उसको एक जुनून है उसके ऊपर सवार, कैच पकड़ो और हवा में गेंद को उड़ाओ और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में वो गेंद अपने हाथ से
सफाई से पकड़ने में नाकाम रहते हुए नजर आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑलवर्टी की टीम अकेले शुभम जादव के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि रनों की संख्या मेरे मित्र स्कोरर मिलिंद पाटिल मुझे बताते हुए सिंगल के साथ 14 रन, 31 रन बनाए थे दोस्तों शुभम जादव ने। देखिए फिर से एक मरतबा हवा में और गेंद उसी के पास। ऐसा लगता है कि इस बार कैच लपका, गेंद को उस खिलाड़ी से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि लगातार गेंद उसके पास जा रही है। सी पॉइंट सर्वा ने टॉस जीता, अपना फैसला सुना है सर्वा आणि संघ मालकाचं सुद्धा नाव द्या मला असं वाटतंय, कारण आयकॉन चे सामने आहेत। रोहित नागोजी भी बिल्कुल सीमा रेषा के बाहर बैठे हुए है, एक अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों बोल्ली गांव का। रोहित के आज आए हुए दर्शकों को मोहित करेगा, ये देखना भी बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों। हालांकि आज तक उसकी टीम उतरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित आज नक्कीस खेलेल। हाँ रोहित, तो यहां पर बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हमने देखा। मैं हार्ड लक कहूंगा हानिया 11 वालवटी को, अर्थात सुल्तानिया वालवटी उनका ओरिजिनल नेम है।